तो भैया जी अर्चर अर्चर चल रहा है हर जगह। सीओसी ने यार अपग्रेड निकाला है नया, किसका? सुपर ट्रूप का, वो भी आर्चर का। जनरली हम लोग आर्चर यूज़ नहीं करते यार, एक हाउसिंग स्पेस की होती है और नजायज एकदम टट्टी होती है, मतलब फुल भेस्ट। तो ये जो है यार अपग्रेड काफ़ी अच्छा था सुपर ट्रूप का। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है सुपर ट्रूप वाले कि यार सुपर सेल जो है सीओसी में और भी नए सुपर ट्रूप्स लाएगा। हालांकि ये जो अपडेट सुपर सेल लाया है ये काफ़ी अलग तरीके से लाया है। अगर हम पिछले वाले दो सुपर ट्रूप से कंपेयर करें, जो कि हमारा इन्फर्नो ड्रैग और सुपर विच थी, उसको डायरेक्टली सीओसी के अपडेट में जो है इनबिल्ड किया गया था, जबकि ये जो है अलग से इसने दिया है, प्लस इसमें इवेंट भी दिया है इसका। तो हम देखते हैं यार इस वीडियो में क्या क्या हम बात करेंगे। पहली जो बात करेंगे यार वो तो ये है कि सुपर आर्च का अपग्रेड, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ खूबियाँ होंगी, है ना वो। और दूसरी चीज़ ये क्या है, सीओसी शायद आने वाले कुछ दिनों में कुछ ख़तरनाक अपग्रेड लाने वाला है। तो यार देखते हैं क्या अपग्रेड लाने वाला है, तो मुझे भी नहीं पता है। तो आप यार कमेंट करके गेस करके अपनी जो भी है बता सकते हैं कि क्या अपग्रेड हो सकता है। तो ये देखो यार यहाँ पे जो है सुपर आर्चर है, इसका इवेंट भी लेके आया है सुपर सेल वाले। 14 दिन का था जब ये स्टार्ट हुआ जस्ट, तो अभी 13 days 22 hours रह गए हैं। और इसमें यार आपको 25 gem दे रहा है और आपको ये जो है बिल्डर पोशन भी दे रहा है। दूसरी चीज़ जो है यार मैं आपको बता रहा था कि सुपर सेल यार कोई ख़तरनाक अपग्रेड लाने वाला है, मतलब यार मेरा तो दिमाग सनक गया देख के। आप खुद देखो यार 364 डेज बाकी हैं और 22 hours। ओह नो, मतलब यार इतने टाइम तक चलेगा अपग्रेड? भाई सुपर सेल वाले कर क्या रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पैसा आ गया लगता है इन लोगों के पास। क्योंकि यार अभी रिसेंट में ही अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो ये तो रही इन दोनों चीज़ों की बातें कि जब से ये जो है क्लैशवर्सरी शुरू हुआ है, यानी 8th anniversary जो है सुपर सेल की सीओसी में जो है हुई है, तब से ही सुपर सेल जो है यार काफ़ी सारे, एक तो हमने देख लिए बुक्स मिल गए हमें इवेंट्स में ही, और अभी यार रिसेंटली जो हमारा क्लैन गेम्स चल रहा है उसमें भी जो रिवॉर्ड्स आप देख रहे हो, एक तो हमेशा जो है 6 ही tier होते थे, इस बार 7 tier लाए हुए हैं, ठीक है 1 tier एक्स्ट्रा कर दिया है। भाई क्या कर ले हो सुपर सेल वालो, इतनी खुशियाँ कैसे बांट रहे हो? तो यार काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि यार जो आखिरी 7th tier है इस पर 2 books दे रहा है यार, ये तो पहली बार हो रहा है। और दोनों ही काफ़ी काम के हैं, एक बुक ऑफ एवरीथिंग है और दूसरा जो है बुक ऑफ बिल्डिंग है। तो ये तो थी यार कि अपग्रेड्स क्या क्या आए हैं। तो और जो एक है हमें पता नहीं है क्या है वो 365 days वाला, तो आप यार कॉमेंट करके बता सकते हैं बिल्कुल कि क्या वो अपडेट होने वाली है सीओसी में कि यार 365 दिन तक मिलेगा। अब जो है हम देखेंगे सुपर आर्च के बारे में। इन्होंने यार इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे जो सुपर ट्रूप्स हैं। करेंटली यार मेरा जो है ऑलरेडी इन्फर्नो ड्रैग चल रहा है, तो यार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इससे आपको लाइव अटैक मार के तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट इतना आइडिया तो मैं आपको दे ही दूंगा इस वीडियो में कि आप इसका यूज़ मस्त तरीके से कर पाएँ। अब इसको यार क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या है इसमें। कह रहा है स्पेशल एबिलिटी जो है इसकी शार्प शूट की है, यानी सुपर आर्चर्स एरोज डील डैमेज टू मल्टीपल टारगेट्स इन अ रो। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा मैजिक आर्चर होता है क्लैश रॉयल में, जो आप में से कई लोग खेलते होंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो कोई बात नहीं यार खेल लो, क्या जा रहा है खेलने में, सीओसी पे तो खेल ही ले हो। और अगर यार आपको क्लैश रॉयल के रिगार्डिंग भी जो वीडियोस चाहिए तो यार आप कमेंट करके बता सकते हो, उसकी भी जो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के उसके भी जो है वीडियोस वगैरह डाला करूँगा, तो वो आप बता सकते हैं। तो ये जो है यार 50,000 डार्क एलिक्सर का लगेगा और 7 दिन के लिए एक्टिव रहेगा। बाकी जो सारी इसमें चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो डैमेज देता है 132 का देता है, हिट पॉइंट्स, ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग टाइम 57 सेकेंड्स,
हाउसिंग स्पेस यार, 12 की हाउसिंग स्पेस। ओह नो, ठीक है कोई नहीं। बाकी हमें इसकी एबिलिटी का तो आइडिया हो गया यार, हमने मैजिक जो है आर्चर को देख लिया था कि किस तरीके से वो जो है एक ही बार में सारे एक लाइन में जितने भी होते हैं सब तक वो जो है एरो उसका जाता है और सबको डैमेज देता है। तो यहाँ पे यार हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यार हम देखते हैं कि हम ईगल को उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे। ओ ईगल तक तो नहीं पहुंच पाया यार, लेकिन बढ़िया था। और कहाँ ट्राई करें, यहीं ट्राई करते हैं। और अगर मैं इसको रेज कर दूं, ओ भाई रेज करते ही तो ईगल तक पहुंच रहा था। पांक भाई ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है भाई, तोड़ तोड़ एकदम तोड़। पांक जिस आर्चर को हम कोई यूज नहीं करते थे अब तो यार चाहकर भी यूज करने लग रहे होंगे बंदे। सब ये देखो यार क्या फाड़ू चीज है ये। बस यार हाउसिंग स्पेस जो है 12 गुना ज्यादा कर दी नॉर्मल आर्चर से, जो मुझे थोड़ा सा यार दिक्कत लग रही है। बाकी देखते हैं और क्या है लाइन में जो हम उड़ा सकते हैं। पहले इनको बिजी कर देते हैं। ओह नो, तो ये तो यार मतलब कमाल की चीज लग रही है, इनकी रीच एक तरीके से बढ़ गई है आप कह सकते हो। सिंगल टारगेट नहीं मल्टी टारगेट एक ही लाइन में जो है ये टारगेट कर रहे हैं। तो यार ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है सुपर आर्चर का, प्लस इन्होंने इवेंट के साथ इसको लॉन्च किया है तो ये और भी फाड़ू हो गया है, जिसमें आपको 25 जेम्स और जो है बिल्डर पोशन भी मिल रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा यार कि सुपर आर्चर जो है क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आई गेस इसको फनलिंग के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर एक ही लाइन में इसने आर्चर टावर विजार्ड टावर इन सबको मार दिया तो इसकी रीच आप देख पा रहे हैं यार कम से कम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेज करने के बाद 12 टाइल्स तक गई हुई है। तो आप बिना रेज के मान सकते हैं 10 से 11 टाइल्स तक की जो है इसकी रेंज है। तो यार ये फनलिंग, और अगर आपकी जो है फनलिंग में तो हो गया इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज़ अगर आपकी जो डिफेंसेस हैं एक ही लाइन में और आपको अच्छा मौका दिख रहा है कि यार सुपर आर्च बेस्ट ऑप्शन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार में सारा डिफेंस ख़त्म हो जाए। तो चलिए यार ये तो था इतना ही इसके बारे में आज की वीडियो में, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं यार। तब तक जो है आप अपना ध्यान रखें।